हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा फिल्म मेनस्ट्रीम को। मेनस्ट्रीम ये एक ब्रांड न्यू कॉमेडी रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जिया कपोला ने। तो वहीं फिल्म की कास्ट में हैं एक्टर एंड्रयू गारफील्ड, माया हॉक, नेट वॉल्फ एंड एलेक्सा डेमी। कहानी फोकस करती है यंग गर्ल फ्रैंकी पर, जो एक बार में काम करती है और जिसे यूट्यूब वीडियोस बनाना काफी पसंद है। पर फ्रैंकी की लाइफ उस वक्त पूरी तरीके से बदल जाती है जब वो लिंक नाम के एक स्ट्रेंजर से मिलती है। तो आखिर कैसे लिंक से मिलने के बाद फ्रैंकी की लाइफ बदल जाती है और उसके बाद फिल्म में आके क्या कुछ होता है, वही सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा जिसका नाम है मेनस्ट्रीम। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को हमारे इंडिया में रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि थिएटर्स बंद है, इसलिए ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, जिसे आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो अब डिटेल से हटकर बात करूँ फिल्म की। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है, जिसकी प्रेजेंटेशन भी फिल्म में अच्छे से ही की गई। बात करूँ कहानी की तो ये फिल्म पूरी तरह से फोकस सोशल मीडिया और फोन यूजर्स पर करती है। और अब इससे ज़्यादा तो फिल्म से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि इस फिल्म को देखने का आपका मज़ा मैं बिल्कुल भी ख़राब करना नहीं चाहता। और अब वापस आ जाऊं फिल्म पर, तो इससे पहले भी इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे टॉपिक पर फिल्में बन चुकी जिनमें से कुछ अच्छी थी तो कुछ काफी ज्यादा बढ़िया। और बात करूं मेनस्ट्रीम की तो ये फिल्म उस लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ये एक अच्छी एंटरटेनिंग टाइम पास से फिल्म है जिसे मैंने ठीक ठाक सा एंजॉय किया है और नो डाउट आप भी करोगे। बस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। वहीं बात करूं एक्टिंग की तो यूं तो सभी की परफॉर्मेंस फिल्म में अच्छी है, पर जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी वो है एक्टर एंड्रयू गारफील्ड, जिन्होंने अपने रोल को बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छे से प्ले किया है क्योंकि उनके कैरेक्टर को जिस पैशन और जिस पागलपन के साथ लिखा गया है उन्होंने इस कैरेक्टर को उतने ही अच्छे से प्ले किया है, यानी एक्टिंग में तो आपको फिल्म में कोई कमी देखने नहीं मिलेगी। वहीं बात करूँ कैरेक्टर्स की तो फिल्म में फ्रैंकी और लिंक दोनों ही कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से की गई है, जिसके चलते हम दोनों ही कैरेक्टर से काफ़ी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहीं बाकी एक्टर्स के पास फिल्म में कुछ खास करने को था नहीं। इसीलिए आगे बढ़ते हुए बात करूँ डायरेक्शन की तो फिल्म को डायरेक्ट किया है जिया कपोला ने, जिनका डायरेक्शन फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो वहीं बात करूँ बाकी चीज़ों की जैसे एडिटिंग, जो फिल्म की काफ़ी अच्छे से की गई है, पर जो लोग भी ड्रामा फिल्म्स देखना पसंद नहीं करते उन्हें फिल्म की करीब 1.5 घंटे की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लगी। और वही बात करूँ कॉमेडी की तो वो फिल्म में स्टोरी के हिसाब से है। तो ओवरऑल मेरी नज़र में ये एक अच्छी टाइम पास सी फिल्म है जिसे आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, स्पेशली एंड्रयू गारफील्ड के फैन जिन्हें ये फिल्म पसंद आएगी फिल्म में उनकी काफ़ी बढ़िया एक्टिंग की वजह से। फिल्म मेनस्ट्रीम को मैं दूंगा 3 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म मेनस्ट्रीम को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।